रोमन रेंग्स वर्सेस द डीमन किंग का एक्सट्रीम रूल्स 2021 के मैच का कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकलेगा? दोस्तों, बॉबी लेशली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा? डैनियल ब्रायन ने अपने मैच के बारे में क्या कहा कैनी ओमेगा के खिलाफ, सीएम पंक के खिलाफ, और कितना लंबा है डैनियल ब्रायन का ऑल इलीट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट? साथ में दोस्तों, बिग ई को किस सुपरस्टार ने करा है चैलेंज, करेंगे इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिन वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बॉबी लेशली के बारे में। जब तक बॉबी लेशली WWE चैंपियन थे, वो ब्रॉक लेसनर को पिछले 6 महीने से लगातार कॉल आउट करते रहे। अब बॉबी लेशली WWE चैंपियन भी नहीं रहे। बॉबी लेशली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि आखिर बॉबी लेशली को छोड़ के ब्रॉक लेसनर ने रोमन रिंग्स को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे क्यों चैलेंज करा। बॉबी लेशली का कहना है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग से नहीं डरते, पर ब्रॉक लेसनर बॉबी लेशली से डरते हैं, क्योंकि बॉबी लेशली का मानना है कि अगर ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स को कॉल आउट कर रहे हैं और उनके खिलाफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच खेलना चाहते हैं, जबकि मंडे नाइट रॉ पे वो अपना ड्रीम मैच बॉबी लेशली के खिलाफ खेल सकते थे, पर ब्रॉक लेसनर ने डर के मारे बॉबी लेशली को चूज नहीं करा, रोमन रिंग्स को चूज करा। दोस्तों, मुझे लगता है कि बॉबी लेशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच भी हमें जल्द ही WWE में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डैनियल ब्रायन के बारे में, यानी कि AKA ब्रायन डैनियलसन, यानी कि द अमेरिकन ड्रैगन के बारे में, जिन्होंने अपनी ऑल इलीट रेसलिंग में डेब्यू कर दी है। ऑल इलीट रेसलिंग के ग्रैंड स्लैम पे हमें डैनियल ब्रायन यानी कि ब्रायन डैनियलसन की डेब्यू देखने को मिली एक नॉन टाइटल मैच में कैनी ओमेगा के खिलाफ। कैनी ओमेगा वर्सेस ब्रायन डैनियलसन का ये मैच दोस्तों ड्रॉ हो गया। दोस्तों, इतनी बुरी तरीके से इन दोनों फाइटर्स ने, रेसलर्स ने एक दूसरे को पीटा कि टाइम खत्म हो गया, जिसके बाद दोस्तों ब्रायन डैनियलसन ने इस मैच के बारे में कहा कि ये मैच उनके लिए रेसलमेनिया 30 से भी ज्यादा बड़ा था, जहां पे उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी मेन इवेंट पे। ब्रायन डैनियलसन ने दोस्तों ये तक रिवील करा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है और इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। साथ में दोस्तों सीएम पंक के बारे में भी एक बड़ी बात रिवील करी कि सीएम पंक से उनकी कोई बात नहीं हुई थी उनके इस ऑल इलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में, सीएम पंक की कोई भी भूमिका नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नाया जैक्स की इंजरी के बारे में। हमने मंडे नाइट रॉ पे देखा था कि शेना बेसलर ने नाया जैक्स की जम के पिटाई करी। दोस्तों WWE ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है कि नाया जैक्स का कंधा निकल चुका है, उनकी एल्बो में फ्रैक्चर आ चुका है और वो अब एक लंबे टाइम तक WWE से दूर रहेंगी। यानी कि दोस्तों नाया जैक्स की इंजरी के बाद अब शेना बेसलर का अगला टारगेट कौन होगा ये तो नहीं पता, पर साफ है दोस्तों शेना बेसलर का रूथलेस अग्रेशन हमें WWE में देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ नाया जैक्स कम से कम 3 महीने के लिए WWE से बाहर हो चुकी, क्योंकि उन्हें इन इंजरीज के बाद एज पर ऑफिशियल अपडेट अब सर्जरी की जरूरत है। अब बात करेंगे दोस्तों कैनी ओमेगा यानी कि ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन के बारे में। दोस्तों ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन कैनी ओमेगा ने रोमन रिंग्स के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट दी। कैनी ओमेगा ने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि अगर कोई ऐसा सुपरस्टार है जो WWE को छोड़ के ऑल इलीट रेसलिंग में आए और वो उससे रेसल करना चाहते हो, तो उस सुपरस्टार का नाम है रोमन रिंग्स। कैनी ओमेगा ने इसके पीछे रीजन भी दिया। कैनी ओमेगा ने कहा कि वो रोमन रिंग्स को दिखाना चाहते हैं कि एक असली चैंपियन कैसा होता है। कैनी ओमेगा ने कहा कि वो रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते और रोमन रिंग्स अगर कैनी ओमेगा को एक्नॉलेज कराना चाहते हैं तो उन्हें ऑल इलीट रेसलिंग में आके उन्हें एक मैच में फेस करना पड़ेगा। दोस्तों ये एक राइवलरी है जो स्पेशली PWI 500 टॉप रेसलर की लिस्ट के बाद स्टार्ट हुई है, जिसमें कैनी ओमेगा को वर्ल्ड का नंबर 1 रेसलर, रोमन रिंग्स को नंबर 2 रेसलर कहा गया था, पर रोमन रिंग्स ने इसके बाद रिएक्शन में कहा था कि बाकी के सारे
रेसलर्स उन्हें एक्नॉलेज करते हैं कि वो नंबर वन रेसलर हैं। केनी ओमेगा ने फाइनली रोमन रेंस की स्टेटमेंट पे रिएक्ट करते हुए उन्हें जवाब दे दिया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की चैंपियन बैकी लिंच के बारे में, जिन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को छेड़ दिया कि रेसलिंग में आज की डेट में मूव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्टोरी लाइन। बैकी लिंच का मानना है कि ज्यादा मूव्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, रेसलिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी लाइन। अगर आप स्टोरी लाइन फैंस तक पहुंचा सकेंगे तो आपको मूव्स मारने आते हो या ना आते हो, फैंस आपके साथ कनेक्ट होंगे और रेसलिंग यानी कि प्रो रेसलिंग को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बिग ई के बारे में। दोस्तों अब बिग ई एक करंट WWE चैंपियन है और उनकी गिमिक, उनका करेक्टर अभी भी काफी ज्यादा फनी है। इसी को लेके बुकर टी ने कहा कि अगर बिग ई को एक सक्सेसफुल WWE चैंपियन बनना है तो उन्हें सीरियस होना पड़ेगा, उन्हें अपनी फनी करेक्टर के गिमिक को छोड़ना पड़ेगा और अपने WWE टाइटल रन को सीरियस लेना पड़ेगा और बेबी फेस से एक हील टर्न लेना पड़ेगा। बुकर टी का मानना है कि अब न्यू डे के ब्रेकअप का समय आ चुका और ये ब्रेकअप बिग ई को एक बड़ा मॉन्स्टर हील सुपरस्टार बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वैसे सही है, अगर बिग ई को एक सक्सेसफुल सुपरस्टार बनाना है तो रोमन रिंग्स की तरह उन्हें भी हील टर्न लेना ही पड़ेगा। पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट रू मैकइंटायर ने खुद दी कि अब बॉबी लैशली WWE चैंपियन नहीं रहे और अब वो अपने आप को दोबारा से टाइटल पिक्चर में ला सकते हैं, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर बॉबी लैशली से हारे थे। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते थे जब तक बॉबी लैशली चैंपियन रहते, यानी कि ड्रू मैकइंटायर अब तैयार हैं बिग ई को WWE चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आज की आखिरी बड़ी अपडेट की रोमन रिंग्स वर्सेस द डीमन किंग फिन बेलर का मैच एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे हमें ऐसे नो रिजल्ट ड्रॉ देखने को मिल सकता है, जिसके पीछे का रीजन रिवील करा कि WWE रोमन रिंग्स को द डीमन किंग फिन बेलर से नहीं हरवाना चाहती और साथ ही पहला ऐसा मौका आया है कि WWE डीमन किंग फिन बेलर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को मेन रोस्टर पे रोमन रिंग्स से भी नहीं तोड़वाना चाहती। इसीलिए दोस्तों हमें ब्रॉक लेसनर, रोमन रिंग्स और डीमन किंग फिन बेलर दोनों पे ही अटैक करते हुए दिख सकते हैं और दोनों को ही पीटते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद एक्सट्रीम रूल्स 2021 का मैच वहीं पे खत्म हो जाएगा और क्राउन ज्वेल 2021 का मैच, जो अभी के लिए रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का है, ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाएगा जहाँ पे हमें डीमन किंग फिन बेलर भी थर्ड सुपरस्टार के तौर पे ऐड होते हुए दिख सकते हैं और इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में क्राउन ज्वेल पे ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या WWE का डिसीजन सही है कि डीमन किंग फिन बेलर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को एक्सट्रीम रूल्स पे ना तोड़वाना? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।